He is the opinionated young television host with a maximum urban youth appeal. Awami with a capital A. Opinionated to the T. Ji haan, main baat kar rahi hoon television ke bade chahite. He's grown up right in front of us. When I'm grown up ki baat karti hoon, I'm talking about his grooming as well. From a skinny young boy on the roads to a very muscle-groomed man on a sophisticated couch. Ji haan, mere saath hain in conversation mein bahut mazedar baatein karte hain. Ji haan, aur bahut hi opinionated baatein karte hain. Bade acche analysis bhi hain inke. Baat karte hain Mani se, jo aapka nickname hai. Assalamu alaikum. Kaisi hain, theek-thaak kya haal hai? Bas aapki duaein. Se bahut din baad main akela baitha hoon. Aksar normally main apni begum ke saath baithta hoon. Kaisa lag raha hai? Ajeeb sa bhi lag raha hai. Kyunki pehle aap akele show karte the. Pehle sari zindagi maine akele show kiya, fir beech mein Asfar Mani kafi arse tak gaya. Fir wo maine toda, khatam kiya, fir uske baad fir dobara इत्तेफाक से वो मैं किसी और लीग में जाना चाह रहा था. Yeah. इत्तेफाक से मेरी बेगम भी उतनी रैंडेड है, बल्कि थोड़ी सी एक स्टेप आगे ही है. तो कैसा लग रहा है अब? ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ग्रोथ हो रही है. लेकिन ये है कि हमें क्या टेंशन बढ़ती जाती है जब आपको कोई लेवल अचीव आप कर लेते हैं. Yeah. नहीं बॉस, ये वाला नहीं, वो तो उससे भी आगे जा रहा है. बॉस, उससे आगे आपको जाना है. फिर आप देखते हैं जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार उससे आगे जाना है वहाँ पे. तो वो कोई एंडिंग नहीं है इसकी. आप चल रहे हैं और हम चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं. मुझे नहीं पता था 8-9 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ तक भी पहुँच जाऊंगा. Yeah. लेकिन वो डेडिकेशन थी और मुझे कभी आज तक नहीं लगा कि मैंने कभी हार्ड वर्क किया है. हाँ. लोग बोलते हैं यार, हाँ. यार तुमने बड़ा हार्ड वर्क किया है. मैं कहता हूँ मुझे तो मजा आता रहा इतने सालों में और अभी भी कर रहा हूँ. हाँ. वो कहते हैं ना कि इफ योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन, ऐसा लगता है कि यू नेवर वर्क टुडे इन योर लाइफ. ये अंग्रेजी की एक बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है. ये मेरे पे अप्लाई सही वाली हो रही है, होती जा रही है. अच्छा मानी, ये बताओ कि ऐसा लगता है कि यू गॉट टू अ प्लेस कि हाँ आई अचीव समथिंग? वो नहीं होता एक बंदा थक के जो बैठ जाता है? थक के तो नहीं बैठता, लेकिन ये कि मोटिवेशन ऐसा टीवी पे आने की होती नहीं है. अभी नहीं होती. मैं जब पहले होता था एक्टिंग के लिए तो मेरे अपने मैं जब प्रोडक्शन अपनी करता हूँ तो मेरे उसके अंदर होता था कि अगर 16 सीन है एक ड्रामे में तो 15 में मैं आऊँगा. अब 5 में भी मैं कहता हूँ यार ना रखो, किसी और को रख लो यार. तुम कर एक्टिंग, टीवी पे खुद को देखने का शौक बहुत ज़्यादा हो गया हूँ. मैं रेगुलर हूँ, 9 साल से लगातार 3 दिन आता हूँ टीवी पे. पाकिस्तानी टीवी देखते हो आजकल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. इनके शो देख लेता हूँ कभी, साहिर का शो देख लिया कभी, शाइस्ता का देख लिया. हाँ. कभी कभार, क्योंकि वो होता ही है कि सब वो हमारे जो स्लॉट्स हैं वो एक ही तरह के हैं आगे. हाँ. तो वो एक हल्का फुल्का कंपटीशन के लिए नहीं, बस इसलिए देखता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ कल करने वाला हूँ. हाँ. तो ऐसा ना हो कि परसों उन्होंने कर दिया, क्योंकि आजकल तकरीबन सब एक ही वेवलाइन पे सोच रहे हैं. मतलब किसी का भी मॉर्निंग शो आप उठा लें वो एक ही तरह का है. बिल्कुल. मेरा ब्रंच शो आप उठा लें 2 दिन बाद हो सकता है मैं भी वो चीज़ कर रहा हूँ जो शाइस्ता करने वाली हूँ या कर चुकी हो. Yeah. और शाइस्ता ने वही चीज़ कर ली हो जो मैंने कर ली हो बहुत पहले. तो तकरीबन एक तरह का है और वो एक ही वेवलेंथ पे सोच रहे हैं, जो कि खतरनाक बात है. बहुत अच्छी बात नहीं है. Yeah. कि आप एक सब एक ही तरह से सोच रहे हैं. स्टैग्नेंसी हो गई ना एक तरह से. वो इसलिए होगी क्योंकि हम जिस ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं तो हमें या हमारे चैनल हेड जितने भी हैं आर्टिस्ट चैनल्स के, उनको लगता है कि वो ऑडियंस इस तरह सोचती है. तो अब हम उन चैनल हेड्स की वजह से उस तरह सोचना शुरू हो गया जो कि वो ऑडियंस सोचती है. और आपको और रेटिंग के चक्कर आ गया. और रेटिंग के चक्कर तो आ गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बोर्डम होगा, ये एकदम से जो सैचुरेशन पॉइंट एकदम से आएगी? पता नहीं, आगे जा भी चुकी है कई दफा और पता नहीं लग रहा. पाकिस्तान देखिए, टीवी में कोई हिट और फ्लॉप नहीं होता ना. हाँ. मैं अगर 70,000 फ्लॉप प्रोग्राम करता रहा हूँ, मेरा कोई एक हिट हुआ था कभी, तो मैं अगले 20 साल तक भी काम कर सकता. हाँ. अगर आप फिल्म पे आ जाते हैं ना, फिल्म में होता है कि आप फिल्म, आपने एक फिल्म की, आपकी हिट फिल्म थी, अगली फिल्म फ्लॉप हो गई, आप गायब हो गए, खत्म, करियर खत्म हो गया आपका. फ्राइडे के फ्राइडे. हाँ. तो टीवी में ऐसा कोई वो नहीं है, हिट फ्लॉप का फॉर्मूला नहीं है. तो मेरा ख्याल टीवी में तो आप कुछ भी करें बैठ के, कुछ भी करें सब चलता है, क्योंकि स्लॉट सारे के सारे बिके होते हैं. आप जिस स्लॉट पर बैठी है बिका होगा, मैं जिस स्लॉट पर बैठता हूँ वो भी बिका हुआ है. और जो पैसे हमें मिलते हैं उससे 20 गुना ज्यादा चैनल कमा लेता है हम लोगों पे. तो वो सब चीज़ें, वो मुझे भी साइंस समझ में आ गई 10 साल में, ये क्या चक्कर है क्या नहीं है. हम सब बिक चुके हैं किसी ना किसी ब्रांड के हाथ. तो ऐसा कोई गेम नहीं है. फिल्म करेंगे तो फ्लॉप होगी तो फिर मसला होगा. हाँ. डिप्रेशन होगा, पागल हो जाएंगे उसकी तरह. क्या नाम था वो एक्टर जो मर गया अभी, क्या नाम है? वो तो फिल्म के अंदर बेचारा, उसने हीट लेजर. हाँ, वो तो फिल्म के अंदर उसने एक डिप्रेस रोल किया था इसलिए मर गया था. इतनी उसकी वो इंटेंशन थी और इतना वो डीप घुस गया था उस फिल्म में. टीवी है, हम कर लेते हैं. ड्रामा एक्टर भी वैसे ही कर रहे होते हैं सारे के सारे. मतलब कोई कोई क्या गेम है, क्या गेम आप क्या है? मतलब आपको चीज करते हैं यार ये अच्छी आ रही है, अगले दिन आप कहते हैं वो अच्छी आ रही है. तो वो 80s भी नहीं है, 90s भी नहीं है शुरू का अर्ली. अब तो हर दिन एक नई चीज आती है. आप पता, गिमिक का जमाना आ गया. सही बात. आपको गिमिक करनी है, मतीरे की तरह कपड़े उतार देने, बकार जगह की तरह किसी के मुंह में सांप घुसा देना है, जरा मेरी तरह कोई बोल्ड बात कर देनी है, साहिल लोधी की तरह जरा शाहरुख खान कर देना है ना, शाइस्ता की तरह जरा क्या नाम है वो, मतलब कुछ ना कुछ करना है, माया खान की तरह आंसू बांध देने. तो ये गिमिक है सारी की सारी. मैं कहता हूँ झूठ है, और जो ज्यादा अच्छा झूठ बोलता है जिस दिन, जिस पर्टिकुलर डे, उसकी रेटिंग ज्यादा आती है.
सिग्नेचर दुनिया में होती है, ये लोग इसका कहते नहीं, हम दिल से करते हैं। हमने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। हाँ। नहीं, हम कहते हैं हम दिल से करते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हम दिल से नहीं करते। अभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हम खाना खा रहे होते हैं बैठ के, अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अपनी बेगम के साथ कहीं सी व्यू निकल जाते हैं, इधर उधर वगैरह, तो हमें कुछ दिल पे इतना लगता है, थोड़ी देर के लिए लगती है, जैसे सब पाकिस्तानी में लगती है, हम उस पर एक शो कर देते हैं। तो वो ये गेम है, ये सब एक्टिंग है, ये सब झूठ है। जो ज्यादा अच्छा झूठ बोलता है वो ज्यादा हिट हो जाता है, और जो ज्यादा से झूठ नहीं बोल पाता टेलीविजन पे, ऑडियंस के दिल नहीं जीत पाता, तो वो बेचारा फिर रह जाता है। कौन ज्यादा झूठ बोलता है आपके ख्याल में से? सब बोलते हैं, मैं भी उनमें से बैठ के कई, एक दफा मुझे याद है अभी मोइन अख्तर साहब, जो कुछ ज्यादा ही आपको फील हो रहा होगा, यार ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो रही है आजकल। यार ओवर एक्टिंग में मुझे लगता है जो मॉर्निंग शो पे जो रोना धोना शुरू हो गया ना, वो ओवर एक्टिंग है, क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं अच्छे तरीके से, गुस्सा है वो दिल से करते हैं, मुझे नहीं लगता दिल से करते होंगे, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। ये सिर्फ रेटिंग के चक्कर है। अगर खुदा ना खास्ता एक दिन, एक जो कि अभी हुआ भी था पिछले दिनों, ये बोलते हैं रेटिंग फ्रॉड है, जो कि मुझे भी लगता है फ्रॉड है। 600 मीटर लगे हुए, 18 करोड़ लोग जो है वो टीवी देखते हैं, अगले दिन एक शो अगर मैं करता हूँ तो अगले दिन मुझे वैसा शो करना पड़ता है जो किसी और ने किया था, तो ये थोड़ा सा मसला हो गया जो कि आगे निकल गया। इवन ड्रामे जो बना रहे हैं जितने डायरेक्टर हैं सब, एक एक औरत 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 रो रही है, औरत मर गई है, औरत के मुँह पे तेजाब फेंक गया है, औरत जो है उसके दो बच्चे हैं, औरत का बच्चा पहला हो गया है शादी से पहले, तो ये सिर्फ ये कहानी है 8-10। और फिर हम जब बोलते हैं ये क्या बकवास कहानी है, तो वो कहते हैं यार कि औरतें देखती हैं, ये औरतें देखती हैं, तो ये कुछ दिमाग में बैठा हुआ हमारे। हालांकि औरतें तो माय नेम इज़ खान भी देख रही हैं, औरतें तो रंग दे बसंती भी देख रही हैं, औरतें तो भेजा फ्राई भी देख रही हैं, और ये औरतें थी जिन्होंने खुदा के लिए फिल्म भी देखी थी, सब देख रही हैं, तो वो और तरह की फिल्म भी देख सकती हैं, तो हमें लगता है कि इस तरह ही देखती हैं, तो इसलिए हम उस तरह की चीज़ें बना, ये चक्कर है। तो हमने वो जो हमारा क्रिएटिव फैक्टर था वो काफी खत्म हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, लेकिन समा हूँ कि हमें ओरिजिनलिटी भी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं कि इस तरह हो गया कि बाबर जावेद ने एक चीज़ हिट बनाई तो सब ने वैसी बनानी शुरू कर दी। फिर यासिर नवाज की चीज़ हिट होगी, मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो सब ने वैसी बनानी शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे कि बुलबुले या नादानिया था, तो नादानिया जब चला तो उन्होंने बुलबुले बना दिया, इनफैक्ट वही सेम राइटर हमारे पास भी था जीरोज में, तो वो जब 22-24 एपिसोड होगी तो मैंने कहा यार ये तो वही लाइन्स हैं जो नादानिया और बुलबुले में होती हैं, स्टोरीज डिफरेंट है, तो फिर मैंने कहा कि यार किसी और राइटर के साथ लिखवाता हूँ, तो फिर मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट 26 का ही था, तो मैंने किसी और के साथ लिखवाया, लेकिन मुझे पता था कि ये पैसे तो मुझे, देखिए सबके पैसे उतने ही हैं, नादानियों को भी उतने पैसे मिल रहे हैं, बुलबुल को भी उतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे भी उतने मिल रहे हैं, तो मैं इतनी एफर्ट इतना सोचूं क्यों कि रेटिंग आ रही है नहीं आ रही, क्या चक्कर? अच्छा, ये गेम इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है, टीवी पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप क्लिक कर गए, अगर आपका नाम बन गया तो आप सेफ हैं, आपके घर में राशन आटा काम मिलेगा, आगे जाके बहुत सारा काम मिलेगा आपको, क्योंकि 8-10 चैनल हैं आप कुछ मतलब, और 5-6 लोग हैं चैनल है, तो 5-6 लोग ही हैं होस्ट जो कि कर रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, मेरी बेगम भी है, और मेरी बेगम फॉर्चुनेट है जो कि कोई उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, पहली दिन आई और वो हिट हो गई, उसको ऑटोग्राफ भी देती है, उसको लोग पसंद भी करते हैं, तो ये तो मैं कहता हूँ ब्लेसिंग है भाई, हम तो नहीं कहाँ से चलते चलते आए। हर कामयाब बीवी के पीछे कामयाब मियां भी हो सकता है, बिल्कुल ना, ये बहुत असल में हमारे जो स्टार्स हैं ना वो कॉन्शियस हैं, उनको वो दिल से इस काम को सही मानते भी नहीं है, सही बात है, वो समझते हैं मजहबी तौर पे ये काम गलत भी है, फिर कहते हैं यार औरतों को काम क्यों करवाएं, मतलब वो वही है जो ड्रामे कर रहे हैं, वो ड्रामों में जो जुल्म कर रहे हैं औरतों पर, असल में वो खुद भी वैसे है। मेरा ये है कि यार मैं चाहता हूँ कि औरत घर में रहेगी तो दिमाग उसका खराब हो जाएगा, एब्सोल्युटली चिक करती रहेगी, सास बहू के झगड़े होंगे, फला होगा, धमाका होगा, तो इससे बेहतर है वो काम कर ले, बिल्कुल, और अच्छा है कि अगर आप लाइमलाइट में आ जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि हम कितने मसलों से गुजरते हैं, तो हेरा को भी अब आइडिया हो रहा है कि कितना मुश्किल होता है किसी का इंटरव्यू लेना, कितना मुश्किल होता है किसी से बात करना, किसी का मूड ख़राब हो आगे से, फाखर जैसा कोई बंदा बैठा हो तो आप उससे इंटरव्यू ले रहे हो, आपको मौत पड़ जाए, आप कहें बॉस क्या करें, क्या ऐसा क्या सवाल करें कि वो नॉर्मल हो जाए, तो ये चीज़ें भी मेरी बेगम ने अभी एक पहले साल देख ली विद पॉपुलैरिटी, उसको सस्टेन भी करना, उसको ये बड़ी गेम होती है। बात हो रही है द सो लॉट्स ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन होस्ट, बात करेंगे ओरिजिनलिटी पे एंड लॉट्स मोर स्टफ विद द वन एंड ओनली मानी, स्टे ट्यून्ड आफ्टर दीज मैसेजेस, वी विल बी बैक इन कॉन्वर्सेशन विद हाजरा कंटिन्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, तो हम बात कर रहे थे आपकी बेगम हु इज जॉइंड यू इन योर करियर नाउ, तो नाउ अभी उनको बड़ी समझ आती है कि ये करियर इतना आसान नहीं है जितना टीवी पे लगता है जब आप होते हैं, एंड अंडरस्टैंड प्रोफेशनल अंडरस्टैंड करनी शुरू हो गई है ना, शीस होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा वो इन्वॉल्व ना हो इसका, उसकी वजह ये कि वो बच्चा मेरा छोटा है, और वो हेरा कभी ये है कि वो थक जाती है बच्चे, अगर आपका छोटा बच्चा हो बहुत ही 2 साल का बच्चा हो तो आपको बचा जाता है, तो हेरा उसको भी संभाल रही है, घर भी संभालती है, प्लस शो भी करती है, और प्लस उसको अपने कपड़े भी देखने होते हैं, प्लस वो
गेस्ट भी देखना होता है। सही बात है। मैं कहता हूँ यार सही, मैं ये सब चीजें बना लेता हूँ, शो बनाना मेरा काम है। हाँ। तुम जो बैठ के घर में बैठो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हाँ। कि अगर इरफान खुद उठा रहे हैं जो कि उसके जमाने से पहले के हैं। हाँ। क्योंकि वो 24 की अब हुई है। हाँ। तो वो इतने सालों का फर्क भी है, कई ऐसे गेस्ट आते हैं जिसके बारे में उसको पता भी नहीं होता, मुझे पूछती कौन है भाई। हाँ। तो उसको बताता हूँ ये है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया। इत्तेफाक से मैं 8-9 साल जो बड़ा हूँ उससे उसका फायदा उसको हो गया। तो मैं क्या ना, मैं उसको बता देता हूँ, मैं फिर इतना पक चुका हूँ मैं भी काम करके कि मुझे सबका ही बताया कौन क्या है क्या नहीं है। तो और किसी का नहीं भी पता होता तो मुझे ये भी पता है कि किस तरह से उस दिन आपको इंटरव्यू लेना है, आपको क्या करना है। तो बेसिकली उसको उतनी टेंशन लेनी नहीं पड़ती इस मामले में। कभी 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 दे देता हूँ टेंशन तब के कि भाई ये क्या है, बकवास है, ये वो वगैरह वगैरह, तो फिर वो सड़ जाती है। यदि मैं नहीं कर रही, मैंने कहा ना करो, बाहर में जाओ। एक दूसरे को क्रिटिकली वो करते हैं? हाँ वो करती है, मुझे भी करती है, क्योंकि वो अच्छा है। मैं भी इसको समझाता हूँ, ये तुम ये क्या भोंगा सवाल तुमने उस दिन किया था बैठ के। अच्छा मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था अफगानिस्तान की, तुमने चाइना की बात करनी शुरू कर दी इधर उधर है। तो वो फिर वो मानती भी है। हाँ। लेकिन उसको समझाने का स्टाइल मेरा कोई इतना अच्छा नहीं है, मैं इतना अच्छा कोई टीचर नहीं हूँ। तो मैं करता ही हूँ कि मैं हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको बताता हूँ कि भाई इसको इस तरह समझा दो, बुरा नहीं लग जाए। वो जरा मूडी है हेरा जो है ना, अभी यंग भी है उस इतनी एज में, तो मैं भी ऐसी था। तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि इसका मूड, मतलब उसको अगर मैं बात कर दूंगा तो उसका मूड ऑफ भी हो सकता है फॉरन के फॉरन। शी इज वर्किंग मदर ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फिर अर्ली एज में, मतलब इस एज में पाकिस्तान में शादियाँ इतनी एज में नहीं हो रही, नहीं हो रही, 20 साल की उम्र में शादी किसी की नहीं हो रही। तो वो क्या नाम है, वो एक अर्ली शादी, फिर अर्ली बच्चा, अर्ली फेम टेलीविजन पे, ये सब चीज़ें नई नहीं है। अच्छा, क्रिटिसिज्म लेने के लिए और ये सब। हाँ, लेने के लिए भी, और जो अचानक से ब्लंटली वो बोल भी देती है किसी को। अच्छा, कभी कभी सामने वाला भी बोल जाता है कि अच्छा। हाँ, जाहिर बात नहीं है, बहुत जारी बात है। हमारे यहाँ ये मसला है ना कि हमारे यहाँ ये चक्कर होता है कि वो जूनियर है, वो सीनियर है, वो सीनियर है, वो जूनियर है। वो क्यों बोला? हाँ। और ये बकवास चीज़ है मेरे ख्याल में, ये बेकार। हॉलीवुड में नहीं होता, कहीं नहीं होता। हॉलीवुड में कोई बंदा आया, यंग लड़का है, वो आया, वो अल्पचिनो के सामने उसने फिल्म की, खड़े होके और वो ऑस्कर लेके चला गया और वो सीनियर है, खत्म बात। अल्पचिनो वही करके घर में बैठ के अपना गला साफ कर रहा है, गरारे कर रहा है नमक के, लेकिन आवाज़ सही करने की कोशिश कर रहा है। और वो अब वो उसको लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ ये कि न्यू कमर जो होते हैं उनको एक बात बोली जाती है, मैं सीनियर हूँ। और ये सबसे घटिया जुमला मुझे लगता है, हमारे टीवी एक्टर्स बहुत करते हैं, बहुत करते हैं कि फला सनी तनियो तुम जूनियर हो, और फला एक्टर कहता है मैं सीनियर हूँ। यार वो बेचारा वो इतना सारा काम कर रहा है, सारे गाँव में हीरो आ रहा है, सही ना। अब इसका कसूर तो नहीं है कि आप बुढ़ापे में भी जो है हीरो का रोल कर रहे हैं 44 साल की उम्र में, तो उसका कसूर तो नहीं है ना। निजाम ऐसा है, ये है कि ये मसले हैं हमारे साथ, ईगो के मसले काफ़ी हैं, सबके ही हैं, काफ़ी हमारे भी, मेरे अपने भी थे शुरू में। जब मैं मेरा ये था कि मैं बहुत सच बोल देता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगर कोई मेरे बारे में बोल देगा तो मुझे क्या होगा, कितना बुरा लगेगा। हाँ। बुरा लगता है वैसे? कभी शुरू, अब नहीं लगता, अब मुझे लगता। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, शो भी बोल देते हैं, वैसे भी बोल देते हैं। हाँ। सही है, बोल रहे हैं, तेरी भी बारी है, इतना तो मैं बोल देता हूँ बैठ के। हाँ। शो पे ये टेलीविजन जो है बहुत से लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, ये मैं तो खैर अमेरिकन टीवी देखता। अच्छा, आप देख रही थी मैं क्या देखता क्या हूँ? हाँ। मैं लेट नाइट शोज देखता हूँ सबके, वो सारे स्टैंड अप एक्ट करते थे, हमारे कॉमिक्स हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स हैं। तो ये इनको फायदा क्या है कि इनका ह्यूमर बहुत आला है, ये ऐसा जुमला मारते हैं मजे का, किसी की सोच है कोई, किसी की सोच है कोई मारता हुआ। हमारे यहाँ पे ये चक्कर है कि हम लोग स्टैंड अप एक्ट नहीं करते, नहीं करते हम लोग, ह्यूमर हमारे अंदर नहीं, कॉमेडी नहीं है, हम जबरदस्ती किसी ना किसी को छाप रहे होते हैं, जबरदस्ती ह्यूमर बना रहे होते हैं, जबरदस्ती का वो गिमिक वाले जोक, स्लैपस्टिक। हाँ, स्लैपस्टिक कर रहे होते हैं, या उमर शरीफ बेच रहे होते हैं आधे आधे वक्त। कौन से गेस्ट तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं जिनके साथ बात करो? और नईम बुखारी मेरे शो पे आए, इतना आला वो गेस्ट था। अच्छा। और इतना कॉम्प्लीमेंट उन्होंने मुझे किया शो में, हालांकि मैं तो चार्मिंग, वेरी चार्मिंग, मतलब उसका जो होस्ट करने का स्टाइल है वो किसी का भी नहीं होगा। दो लोग बड़े अच्छे थे, नईम बुखारी और एक मुसनसर हुसैन दारड, ये लोग वो है जिनको होस्टिंग करना। काश उनको कोई अच्छा शो मिल जाए, क्या वो एलोक्वेंट आदमी है कसम से, जितना अच्छा वो कंडक्ट कर सकते हैं वो नाम मुझे आता है ना, आपको आता है ना, किसी ना शाइस्ता नादिया किसी को आता है, किसी को नहीं आता। आराम के सवाल और हर सवाल के बाद एक किस्सा, वेल रेड, इतने एलोक्वेंट लोग हैं, इसको कहते हैं होस्ट। तो मैंने जब उनके साथ शो किया तो मुझे बड़ा मजा आया, आई कैन, और रेटिंग भी आई इत्तेफाक से हमारी, देखो जरा, ये पढ़ा लिखा आदमी आया और रेटिंग आई, बड़ी बात है। और कौन लोग हैं जो आते हैं जो थोड़ा सा, फिर आयशा खान आई थी तो मेरा दिमाग दही बना दिया था उस बंदी ने, और नफ्सियाती एक औरत थी जो कि मुझे लगा कि उसको आज की जरूरत है। ऐसा कोई बंदा है जिसका इंटरव्यू नहीं किया? आतिफ असलम के भी कर लिया, अली जफर के भी कर लिया, सबके कर लिए मैंने। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान से बाहर अगर जाके करूँ तो फिर वो फार्मूला जो मेरे पास है वो मैं आगे अप्लाई करूँ। इस ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फिर से इन कॉन्वर्सेशन विद मानी कंटिन्यूज, विल सी यू आफ्टर दीज मैसेजेस, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मानी, हमने ये सारी बातें कर ली, इंडस्ट्री वगैरह की, और तो मुझे बता ये जो तुम लोग ने जब शुरू किया ना, एक खास स्टैंड अलग ले लिया बाकी वीजेस से, जहाँ पे लोग शुगर कोटेड, वेरी एमटीवी स्टाइल और ये वो बर्गर टाइप
जो लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल किया आप लोगों ने, जब आप जाते हैं सबसे बड़े मॉर्निंग शो वगैरह में और आप एक लिस्ट निकालते हैं दो नंबरी नंबर दो की, और उसके बाद जो बड़े बड़े ईगोज हैं जिनकी हमने बड़ी जिनको पूछते हैं हमारी छोटी सी, कैसे ही इतना बड़ा रिस्क लिया? काफी लोग सुसाइडल फील करेंगे कि यार नहीं नहीं ये मुझे अमार बिलाल मिला तो वो तो पता नहीं वो किसी को अच्छा वो मुझे नहीं सीधा बोल रहा था, वो इधर खड़े होकर मुझे गालियां दे रहा था, बस अजीब तरीके से ना अच्छा किसी और को गालियां सुनाते हुए मुझे गालियां देता तेरी में वगैरह अच्छा, तो मजा भी आता है कभी कभी, और ये भी होता है यार कि यार सबसे बिगाड़, लेकिन ये कि ये हमारा स्टाइल है असल में, क्योंकि हम गेम प्लान नहीं करते घर में बैठ के सोच ही रहा हमारे बिलाल की वाट लगा देनी मैंने सुबह बैठ, क्योंकि आप जानते ऐसी कुछ गेम में आया मैंने कहा पर्सनल आपका इनके साथ कोई कभी भी नहीं हुआ कभी भी नहीं, मुझे तो बल्कि मिले तो मैं नॉर्मल तरीके से मिलता हूँ। सईद के बारे में मैंने बोल दिया था या उनकी उमर सईद के बारे में, तो वो उनको दोनों भाइयों को अंडरस्टैंडिंग है कि ये कुछ बोलता है लेकिन सोचता नहीं है सर, तो वो एक गिमिक थी असफर, मैंने एक शो किया था नादिया खाने वाला यार कुछ सुबह मजे की चीज़ करना, मैंने कहा नब्बे लिस्ट बना था उन्होंने बना दी, उससे पहले बहुत पहले मैंने मानी सीरीज में कर चुका था, वो स्टार्टिंग थी जब इंडस के अलावा कोई चैनल नहीं था अच्छा, तो मैंने बहुत सारी बोल्ड स्टेप्स लिए थे उस जमाने में, अजीब से शोज करता था, मानी सीरीज मेरा शो आता था जिससे बहुत सारे फ्रेंड हो जाते थे और पोलिटिकल लीडर्स भी, तो उस वक्त गदम्बर साहब मुझे बैक करते थे कि करो करो, मुझे याद है एक सिंगर आए थे फाखरी आए थे शायद अपनी बेगम के साथ, तो वो उन्होंने शिकायत की थी मेरी, तो जब वो चले गए तो गदम्बर साहब ने मुझे बुलाया, मैंने बहुत आज तू क्या फायर हो गया, तो मैं जब अंदर गया तो कहते क्या किया तुमने, मैंने सर वो कुछ नहीं मजाक किया था, कहते दिखाओ, तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने वो हंसने लगे, कह रहे और क्या करो अच्छा लगता है लोग आते हैं ये बात अच्छा लगता है, तो ये मैं ये हरी को कोट करता हूँ जितने भी चैनल्स में मैंने काम किया उसके बाद जो हमारे चैनल हेड थे एकदम से परेशान हो जाते हैं कि तुमने क्या बात बोली थी परसों फैसल कुरैशी को या हिमागी सईद को या फलाने ढिमाका को, तो मैं कहता हूँ यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं वो पहला आदमी था जिसने बोल्डली जो है वो लोगों के नाम लेने शुरू किए और उनके बारे में मैंने जोक्स बनाने शुरू किए, और फिर ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि ये भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, क्योंकि हम सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ना कि यार ये तो उर्दू मीडियम है ये तो अंग्रेजी वाला है ये है ये वो फ्री अल्ताफ़ वाले और वो सोसाइटी मैगजीन जीटी मैगजीन वाले और ये थोड़े वो हैं वो बेचारे, ये जो इतना आर्टिफिशियल फ्लफ आ गया है ये तुम्हें लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ? अभी भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेसिकली ये होना तो नहीं चाहिए यार, क्यों समझ से बाहर है हम, हमारी कौन सी मिलियन डॉलर क्या नाम वो एक शो होता है या जो कॉन्ट्रेक्टर होगा 8 लाख कमा लेता होगा 20 लाख कमा लेता होगा, सही बात है, मिलियंस में तो नहीं है ना डॉलर्स में तो नहीं कमा रहे ना, नहीं कमा रहे, ऐसे मैं कन्फर्म कह रहा हूँ कि आपका काम बिकता है एट द एंड, और मैंने जितने अरसे सर्वाइव किया मेरे काम की वजह से किया, लोग मुझे बहुत लानते देते हैं कि भाई इससे बोला नहीं जाता बात क्लियर नहीं होती इसको पता नहीं क्या बोल कुछ भी बोल देता है ये तो बहुत एक जुमला आता है मेरे लिए, अब कहते हैं यार इसने कर लिया है अब इसने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी है अब ये सोच के बोलता है, मतलब ये साल जब 8-10 साल बाद ना अब सीख गया बच्चा सीख गया, पहले आदम असलम को भी लोग कहते हैं नाक से गाता है ये करता है बुरा है, बिल्कुल सही बात है, बात हो रही है चेंजेस ओरिजिनलिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इस ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फिर से इन कॉन्वर्सेशन विद मानी कंटिन्यूज, विल सी यू आफ्टर दीज मैसेजेस, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, इन कॉन्वर्सेशन विद हाजरा कंटिन्यूज विद वेरी आउटस्पोकन मानी। मानी साहब एक बड़ा मजे का सेगमेंट है आपकी जो रेपुटेशन टू लिव अप टू इट, आप ये सेगमेंट अगर अपनी ओरिजिनलिटी से और अपनी सिंसेरिटी से निभाएंगे तो बहुत ही मजा कोई आएगा, कुछ लव्स बोलूंगी आपने एक क्विक रिस्पॉन्स देना है, फेवरेट सॉन्ग इन द वर्ल्ड Imagine All the people, John Lennon, Rajiv, और देसी गाना कौन सा अच्छा लगता है? दिल में मेरे है दर्द डिस्क कोई सा भी आ जाए कोई सा भी अच्छा पॉप अच्छा कोई भी आ जाए अच्छा जो है वेरी गुड दर्द डिस्क और इमेजिन क्या बात है। फेवरेट फूड इन द वर्ल्ड कीमा मटर अच्छा हां घर का बना मम्मी के हाथ क्या ही कोई बात है। फर्स्ट क्रश याद है? टीचर पे था वो थी या ला मेरे शो पे जितने भी लोग आए सबने कहा टीचर पे कसम टीचर की इतनी अच्छी होती है हम क्या करें मंडंगी की वाली है भाई क्रश तो होगा और बच्चे भी तो फिल्में देख रहे थे उस जमाने में अमिताभ की अमिताभ और वो दीन जमान की तो क्रश तो होगा हां तो सही बात है। कौन सेलिब्रिटी में कोई क्रश हुआ था? खादर रियासत थी वो और नादिया हसन नादिया हसन को तो मैंने फोन किया था वो गाना था उनका 3-3-2-2-4-4 मैं समझता था उनका नंबर है तो मिला था किसी और का नंबर था किसी ने मुझे बोला कि वो डांटा भी ये यार ये नंबर नादिया ये कौन पागल आदमी है पागल है कोई बच्चा था सर अच्छा चलो अल्लाह दोनों को जन्नत दे दोनों नहीं है बाय द वे हां चलो जी लव सही वाला लव हेरा से हुआ फ्लर्ट बड़ा किया मैंने बहुत शदीद शिद्दत से करता था और अभी भी कभी कभी मौका नहीं आने देता मेरी बेगम रोजाना मेरा मोबाइल चेक करती है
कैसी या अल्लाह गॉड हां चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए हां कभी कभार दिल चाहता है ना क्या करें क्या करेगा मैरिज टफ है और आपको निभानी पड़ती है लेकिन 3-3.5 साल गुजर गए अच्छे गुजरे हैं लड़ाइयां भी हुई हैं लेकिन ऐसे से कम होती जा रही हैं गुड मनी पैसा जो है वो अब अच्छा आना शुरू हो गया है मोस्ट ओवररेटेड होस्ट ऑन टीवी नाउ अकॉर्डिंग टू यू नूर योर फेवरेट होस्ट ऑफ टेलीविजन ऑल टाइम नईम बुखारी का शो मैं देख लेता हूँ अगर आपने किसी को एक कैंपेन देना हो फला प्रोडक्ट्स का आप किसको देंगे व्हाइटनिंग क्रीम लोग तो मुझे कहते हैं कि वैसे कह रहा है मेरा रंग साफ हो गया पहले से बहुत ज्यादा साहिर लोधी को तो नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती क्यों साहिर को तो और तरह की कैंपेन नहीं अच्छा कौन सी साहिर को दे सकते हैं आप कोई वॉशिंग का कुछ करते हैं पाउडर टाइप का वो करते हैं ना वो करते हैं साहिर उस तरह की चीजें जानते हैं सोनिया रहमान अच्छा हाइट गेन प्रोग्राम फखर हारून दोनों रिहैब में किसको भेजेंगे आप आयशा खान आप स्कूल वापस किसे भेजेंगे पढ़ने लिखने के लिए किस कौन सा यार ये जितने भी हमारे पंजाबी फिल्मों वाले बेचारे हैं अभी भी फिल्में बनाते हैं वही बकवास फिल्में होती हैं उनको दोबारा स्कूल भेजना चाहिए ठीक है जब एक एक्ट्रेस बोलती है या एक्टर बोलता है गाड़ी खराब हो गई मैं शूट पे देर से आऊंगा सो के नहीं उठा होता एक और लाइन है कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स यानी कि खाली अफेयर शफेयर और बाकी और शादी नहीं मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रही हूँ बॉलीवुड में खासकर झूठ है किसी हो रहा है क्रिकेटिंग ट्रेजेडी यारी आसिफ और आमिर जो निकले सलमान का मुझे इतना अफसोस नहीं मतलब अच्छा ये बताइए मिस्टर मानी एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ रिग्रेट्स ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं रहता कि पीछे क्या हुआ है और मैं जिनके साथ भी काम करता हूँ मेरे दिल में कोई बुराई जबान तो लेकिन दिल से कोई बुराई नहीं करता लेकिन मैं फेडअप हो जाता हूँ कुछ अरसे तक काम करने में जैसे अरसे के साथ मैं काम करता हूँ फेडअप हो गया 1.5 साल बाद मैंने छोड़ दिया वो चैनल ही और मैं फिर अपनी बेगम के साथ काम कर रहा हूँ बेगम के साथ ये है कि मैं फेडअप नहीं हो सकता yes. मेरी बेगम है लेकिन मेरा अभी भी प्लान यही है कि मैंने कहा कि 1.5 साल बाद तो मॉर्निंग शो करना yeah. मैं अपने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे yeah. होता है कुछ करने का बाकी रिग्रेट ऐसा नहीं है टीपू के साथ ये मेरे 2-3 दोस्त ही हैं दोस्त क्या है मतलब इन लोगों के साथ मैंने काम ज़्यादा किया फैसल कुरैशी टीपू असफर एहसन रहीम 5-6 लोग हैं और माशाल्लाह से ये अपनी अपनी जगहों में खड़े हैं बस ये मुझे लगता है कि हम बातें ना करें हम काम करें ये बात मैं असल को भी बोलता हूँ कि बातें ना करें भाई बस काम 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 क्योंकि काम ही आपको दिखता है सही बात टेलीविजन पे हमारा काम दिखता है तो मैं इसलिए बहुत सारा काम करता हूँ कि शायद कोई एक काम लोगों को पसंद आए थैंक यू सो मच बहुत मजा आया आई नो यू वर वेरी वेरी बिजी टुडे बट थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम सही है चल जाता है लेट आए तो पर आ गए वेल दैट वाज द वन एंड ओनली मानी आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस कन्वर्सेशन In conversation, we'll continue again with another fascinating guest next week. Till then, take care of yourselves and khuda hafiz.